हेलो, हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी जो भारतीय दंड विधान है, भारतीय दंड संहिता है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और उसमें एक सेक्शन हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 153 का ए, यानी 153 का ए। उससे ही मिलती जुलती एक धारा है 295। कमेंट आया मेरे पास, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। और ये ज़रूरी इसलिए है हमारे और आपके लिए क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ की जो संस्कृति है, जहाँ की जो विरासत है हमारी, हमारे यहाँ कई सारे धर्म हैं, आपको पता है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये तो हमारी धरती के ही धर्म हैं। प्लस इस्लाम को के फॉलोअर्स भी हमारे यहाँ बहुत सारी संख्या में रहते हैं। तो हम एक प्लूरल सोसाइटी हैं, ठीक है। तो एक प्लूरल सोसाइटी मतलब कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी फेथ्स हैं, उनके बहुत सारे विश्वास हैं, वो अपने धर्मों को जो है फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही संबंधित ये जो धारा है सेक्शन 295A, यानी 295 का ए, हालांकि 295 धारा भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण धारा है 295 का ए, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे आपको इम्पॉर्टेंट बात ये रखना है कि जिसके भी ऊपर या कभी 295 केस लगता है, ये मुकदमा जब कायम किया जाता है, तो ये काफ़ी आम इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोगों के अंदर घृणा की भावना आ जा रही है, ईर्ष्या द्वेष आ जा रहा है धर्मों को लेकर के, उनके भावनाओं को लेकर के, उनकी आस्थाओं को लेकर के, जो कि नहीं होना चाहिए, काफ़ी बुरा है ना ये। तो जब भी डिलिब्रेट, इसको जब आईपीसी में आप कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा तो इसमें दो शब्द मिलते हैं, एक होता है डिलिब्रेट, डिलिब्रेट का मतलब होता है जब स्वतः जानबूझकर कोई, और दूसरा शब्द आता है मेलेशियस एक्ट, मेलेशियस का मतलब एक घृणित कार्य, ठीक है, गंदा काम। तो जब भी कोई जानबूझकर कोई ऐसा गंदा काम करता है जिसका मकसद ये होता है कि जो धार्मिक भावनाएँ हैं, ठीक है, धार्मिक भावनाएं ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास का वो हो, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी धर्म का हो, तो उसकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत करता है, कैसे, डिलिब्रेट करता है, डिलिब्रेट मतलब जानबूझकर एक तरीके से, और ये मेलिशियस काफ़ी घटिया एक्ट है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंसल्ट करता है किसी भी रिलीजन को या उसके विश्वासों पर आघात करता है किसी संबंधित दूसरे व्यक्ति के, तो ऐसे जो मुकदमा कायम होता है काफ़ी आम ही होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे तत्व हर जगह पर, खासकर डिजिटली भी बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो अब ये डिलिब्रेट एक्शन में आता क्या है, आपको ये जानना है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जैसे कि वो किसी, कोई ऐसा शब्द बोलता है, अब शब्द का प्रयोग करता है, शब्द या तो वो कहीं पर लिख सकता है या कहीं पर उसको बोल भी सकता है, ठीक है, तो या तो बोला जाए तो ऐसा लिखा जाए, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी व्यक्ति की भावना जब आहत होती है तो संबंधित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है शिकायत के लिए, ठीक है, तो ऐसे तो। और दूसरा है कि कोई व्यक्ति कोई साइन, कोई सिंबल, जैसे हमारे धर्मों में कई प्रकार की के सिंबल होते हैं, जैसे इस्लाम में कोई सिंबल होता है, हिंदुज़म में कोई और सिंबल, सिंबल का मतलब चिन्ह, धर्मों में चिन्ह होते हैं, या फिर कोई और प्रकार के चिन्ह कोई व्यक्ति खुद से क्रिएट करता है ना, जैसे कोई व्यक्ति है एक्स वाई जेड, वो कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे किसी धर्म का चिन्ह का मतलब, ये कोई कार्टून बना ली, जैसे आपको एक फ्रांस की घटना में याद दिलाता हूँ, फ्रांस में किसी पत्रकार ने कोई छोटा मोटा कार्टून बनाया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि उससे उनकी जो है धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उन्होंने पत्रकारों पर गोली चला दी, ठीक है, हालांकि उसको बाद में देखा गया कि वो उतना ज़्यादा मेलिशियस नहीं था, उसमें ज़्यादा कुछ गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पत्रकारों की हत्या की गई वो काफ़ी बुरा था। तो साइन का मतलब कोई ऐसा चीज़ भी नहीं बना देना है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत हों, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है, ना ही लिख करके, ना ही जो है स्पोकन करना है, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, ठीक है, किसी चीज़ को ऐसा नहीं दिखावा करना है कि किसी कोई धार्मिक मान्यता वाला व्यक्ति हो उसकी फीलिंग्स जो है वो उसको दिल पे ले ले, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी रिलीजियस बिलीफ का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसके लिए सज़ा का प्रावधान ये है कि 3 साल तक की सज़ा होती है। और इसमें क्या होता है, जो भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई अगर मुकदमा चलता है तो उसकी सोसाइटी में इज्जत उतर जाती है। भारतीय दंड विधान प्रक्रिया के बारे में आपको सब पता ही है कैसे प्रोसेस चलता है, 3 साल तक की सज़ा है और जुर्माना भी लगता है। तो ये है 3 साल तक की सज़ा और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
और ऐसे केसेस काफ़ी रैम्पेंट हैं, काफ़ी आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के अंदर जो है सम्मान की भावना खो चुके हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इससे आप सतर्क रहें इस सेक्शन से, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी हैं, अगर आप डिजिटली ऐसा कुछ या कोई व्यक्ति करता है तो उसकी आप रिपोर्टिंग करिए, ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पर है वहाँ पर रिपोर्ट करिए। हालांकि वहाँ पर कई सारी अन्य धाराएं भी एक्टिव हो जाती हैं, जो आईटी एक्ट है उसकी सेक्शंस हैं, वो हम कभी डिस्कस कर लेंगे फिर से। और भी कई प्रकार के जो है मुकदमे में धाराएं जुड़ती जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ऐड हो